बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की दबंग दबंग 2 रेडी, बॉडीगार्ड जैसी कई फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके और टेलीविजन रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 4 के 3 निर्णायक में से एक है मुदस्सर खान। अहमदाबाद में अपनी मंडली की स्पर्धक स्वराली का हौसला बढ़ाने आए थे। डीआईडी 4 के अनुभव के बारे में मुदस्सर ने कहा कि हर डांसर और कोरियोग्राफर का ख्वाब होता है कि एक बार डीआईडी से जरूर जुड़े। और फिल्म्स करूंगा भाई के साथ, और भी अलग अलग, कभी सोचा नहीं था रियलिटी शो के बारे में। फिर सडनली डांस इंडिया डांस से कॉल आया, तो डीआईडी का कॉल है, डांस इंडिया डांस का। जब आपको हर कोई इंडिया में, हर कोई हस्ती, हर कोई कोरियोग्राफर डांस इंडिया डांस रियलिटी शो ज़रूर करना चाहता है, बिकॉज उसमें एक सच्चाई है, एक ऑनेस्टी है, एक ट्रुथ है, रियलिटी कहते हैं जिसे, रियल है। डीआईडी के इस सीजन के बारे में मुदस्सर ने कहा कि हम इस बार लोगों की भावनाओं से जुड़ी समस्या और उनके सही उकेल को डांस के फॉर्म में देना चाहेंगे। तो उनके साथ आई डीआईडी 4 की स्पर्धक और गुजरात का नाम रोशन करने वाली स्वराली के बारे में मुदस्सर ने कुछ ऐसा कहा कि स्वराली सुपर 18 में सबसे अच्छी डांसर है। तो कैसे हम दूर नहीं भागें, बल्कि उसका हम सोल्यूशन ढूंढें और डांस के थ्रू उसका सोल्यूशन ढूंढें, जो हम डांसर्स हैं। तो डीआईडी में हम जितने भी एक्ट्स करवा रहे हैं इस बार, बहुत सारे एक्ट्स डांस इट आउट के बेस पे हैं, काफ़ी एक्ट्स थोड़े मनोरंजन के बेस पे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्ट डांस इट आउट के बेस पे हैं। स्वराली मेरी फेवरेट गर्ल डांसर है पूरे टॉप 18 में कहूँगा, क्योंकि कितनी जगह पर ये बॉय को भी पीछे छोड़ देती है। आप सच में अभी अगले हफ्ते का एपिसोड देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे, उसकी इतनी तारीफ हुई है, ग्रैंड मास्टर मिथुन दा ने उसकी इतनी तारीफ की है, उसको ग्रैंड सैल्यूट दिया है और उसकी तारीफ करते हुए रुके नहीं है वो। बड़ौदा की रहने वाली और स्वभाव से नटखट स्वराली ने अपने डांस के बारे में कहा कि मैं मेरी माँ का ख्वाब पूरा करना चाहूँगी। अपनी मंडली के मास्टर मुदस्सर के बारे में कहा कि ये जैसे दिखते हैं वैसे ही स्टाइलिश है और डांस में भी नए नए स्टाइल करवाते हैं जिसमें इमोशन, स्टाइल और नए आइडियाज होते हैं। फियरलेस सर, तो हमें भी मतलब आप देखो वैसे कैप पहन के बैठे एकदम स्टाइलिश, तो मुझे भी ऐसा लगा आ जाऊंगी तो कैप वैप ग्लेस वे सब लेके आऊंगी। तो उनका वो स्टाइलिश टच उनकी कोरियोग्राफीज में भी दिखता है। आप उनकी मूवीज की कोरियोग्राफी लो या डांस इंडिया डांस की कोरियोग्राफी लो, एक अलग ही उसमें एक फ्लेवर होता है। मास्टर मुदस्सर ने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे कलाकारों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, पर अब आमिर खान के साथ एक बार काम करना चाहूँगा। स्टिल डूइंग इट, मेरी लाइफ की कोरियोग्राफी शुरुआत हुई है सलमान सर की फिल्म से। दबंग किया, बॉडीगार्ड किए, रेडी किया है, दबंग 2 किया है और अभी अलग फिल्म में किए, दूसरे स्टार्स के साथ में भी किया है, और बस उन्हीं की वजह से आज आगे तक आया। फिर डीआईडी ने मुझे परखा, देखा कि ये अच्छा लड़का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो बुलाया और बस अभी शुरू किया। देखिए, और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, उम्मीद है आगे भी पसंद आऊँ। नहीं किया ऋतिक के साथ, नहीं किया शाहिद के साथ, नहीं किया दूसरे काफ़ी स्टार्स के साथ नहीं किया इस काम, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सबके साथ करना ही है, बट मेरा फेवरेट है कि मैं एक बार आमिर सर के साथ काम करूँ। सो इट्स माय डीआईडी 4 में कुल 18 स्पर्धक है जिसमें से गुजरात के 6 स्पर्धक है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि डांस के सबसे बड़े शो में भी गुजरात सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑनलाइन, अहमदाबाद।